हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी विद ख्वाहिश राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, फिर से आज मैं एक नई ड्रेस लेकर आई हूँ। आज हम जीरो और एक नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना देखेंगे। अगर आप सेम मेजरमेंट से ड्रेस बनाते हैं तो आपकी भी ऐसी प्यारी सी ड्रेस बन के रेडी हो जाएगी। देखिए, हमने इसके नीचे किसी भी टाइप की बुकरम का यूज़ नहीं किया है, हमने इनर फैब्रिक का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने रिबन का यूज़ किया है और कोई लेस का यूज़ नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमने फैब्रिक की कटिंग करके ले लिया है। आज हम जीरो और एक नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस बनाने के लिए देखिए, हमने इसकी चौड़ाई 3.5 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 25 इंच रखी है। दोनों की ही लंबाई और चौड़ाई हमने सेम रखी है। अब हमें इनर फैब्रिक यहाँ पर ऐसे सीधा रखना है। जो ये वाला फैब्रिक है, इसे हमें यहाँ पर ऐसे उल्टा करते हुए रखना है। और देखिए, यहाँ पर हमें ऐसे इसके तीनों साइड पर सिलाई दे देनी है, सिर्फ यहाँ पर सिलाई नहीं देनी है। हमने देखिए यहाँ पे तीनों साइड पे सिलाई लगा के ले लिया है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। हमने इसे सीधा करके ले लिया है। अब हमें यहाँ पे देखिए नीचे की साइड पे व्हाइट कलर का रिबन लेंगे और रिबन को देखिए यहाँ पे ऐसे रखते हुए पूरे में लगा लेंगे। हमने यहाँ पे रिबन को लगा के ले लिया है। अब हमें इसकी साइड्स को रिबन की हेल्प से लॉक कर लेना है। आगे से हमें ऐसे रिबन को फोल्ड देना है। देखिए, यहाँ पे हमें ऐसे रखते हुए पूरे को यहाँ पे ऐसे रिबन की हेल्प से लॉक कर लेना है। हमने इसके दोनों साइड्स को फोल्ड करके ले लिया है। अब हमें प्लेट्स डालनी है। देखिए, हमें फैब्रिक को ऐसे हल्के हल्के से उठाते जाना है और हमें ऐसे पास पास में प्लेट्स डालते जाना है। तो चलिए प्लेट्स डाल लेते हैं। स्कर्ट बन के रेडी हो गई है। अब हम टॉप रेडी करेंगे। प्लेट्स हमने 2.5 इंच में डाली है, तो चलिए टॉप रेडी करते हैं। देखिए, टॉप बनाने के लिए हमने ये सेम फैब्रिक लिया है, जिसकी चौड़ाई हमने 1.25 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 8.5 इंच रखी है। दोनों की लंबाई और चौड़ाई हमने सेम रखी है। देखिए, अब हमने इनर फैब्रिक को यहाँ पे ऐसे सीधा रखना है। जो ये वाला फैब्रिक है, इसे भी हमें यहाँ पे ऐसे सीधा रखना है। और देखिए, इसके हमें यहाँ पे ऐसे चारों साइड पे सिलाई दे देनी है।